नमस्कार किसान भाइयों, मैं आकाश। आज हम किर्लोस्कर स्टॉल है हमारा यहाँ पे किसान मेले में लगा हुआ है। आज हम इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हमारा किर्लोस्कर आप देख सकते हैं, 1888 में ये कंपनी चालू हुई है। तो ये हमारा पूरा जर्नी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पहला जो इक्विपमेंट है वो हम MB प्लाव तैयार करते थे। नांगर हमने पहले चालू किया था किसानों के लिए, उससे हमारी किर्लोस्कर की पूरी जर्नी चालू हो गई। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे पूरा रेंज दिखाया है। यहाँ से आप पूरा जो हमारा फार्म मैकेनाइजेशन व्यू है उसका आप पूरा प्रोडक्ट रेंज देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे बैनर पे हमने लगाया है। हमारा ब्रश कटर है 2 HP का, 2 HP का पावर टिलर है, विडर है, 8 HP का डीजल है। डीजल हमारे 8 HP के जो 3 मॉडल आते हैं, यूनिवेटर है, रिपर है, मेगाटी है। अभी हमने किर्लोस्कर का हार्वेस्टर लॉन्च किया है इस किसान मेले में। तो आप देख सकते हो हमारा एक 2 HP का जो विडर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा 2 HP का, ये 2 HP का हमारा विडर है। जो छोटी खेती रहती है, बाग बगीचा, इसमें हम अच्छे तरह से इसको चला सकते हैं। ये किर्लोस्कर कंपनी ने नई लॉन्च किया है, आप देख सकते हो। नीचे ब्लेड लग सकती है, एडजस्टेबल ब्लेड है। मिनिमम जो अंतर रहता है खेत का उसमें से हम काम कर सकते हैं। पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है 2 HP का इसका, लेस वाइब्रेशन, लेस मेंटेनेंस में काम करता है ये। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक्सेलरेटर दिया हुआ है और यहाँ पे अपना क्लच है, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कितनी गहरी लगा, कितना गहरा जुताई करना है, इसके लिए ये अपने ऑपरेट ये दिया है। बेल ड्राइव इंजन है इसका। अब दूसरा हमारा जो टिलर विडर देख सकते हैं, ये हमारा 5 HP का पेट्रोल वेरिएंट में विडर आता है। पेट्रोल इंजन है ये, लेस वाइब्रेशन पे चलता है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे मिंट 5H का इसका बैजिंग दिया हुआ है। पूरा एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पे एक्सेलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे रिवर्स गियर दिया हुआ है और यहाँ पे क्लच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है। कभी कभी किसान भाइयों चलते चलते यहाँ पे फसल अटक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये मशीन आगे नहीं चलने के लिए यहाँ पे हमने इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के वजह से, जितना हाइट किसान बंद होता है। यहाँ पे गियर दिया हुआ है और पूरा इंजन आप देख सकते हो। इसके साथ कंपनी रोटावेटर देती है और पडलिंग के लिए इसका यूज़ होता है। जो हम राइस की खेती करते हैं इसमें हम इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है 8 HP का। ये 8 HP डीजल इंजन में आता है इसका पूरा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन, ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। यहाँ पे हमें रोटावेटर लगाने का, इस सेंटर रोटरी इसको मॉडल बोलते हैं। तो हम जब टायर निकालते हैं तब हम ये रोटावेटर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो पडलिंग का, ये पडलिंग और मल्टीपर्पज़ यूज़ है। 8 HP का डीजल इंजन है ये। रिकॉइल स्टार्ट, रिकॉइल स्प्रिंग से इसका स्टार्ट होता है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल भी कर सकते हैं हम जो हाइट के हिसाब से। यहाँ पे PTO शाफ्ट दिया हुआ है इसका। 3000 RPM ये जनरेट करता है। 5 kV का अल्टरनेटर भी लगा सकते हैं, STP लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं हम। अब दूसरा प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसके मैं अटैचमेंट दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे अब नांगर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कल्टीवेटर लगाया है इसी मॉडल को, ये कल्टीवेटर है पूरा। आप उधर दिखा सकते हो और एक दूसरी अटैचमेंट आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये पूरा एक साथी नाम का एक इक्विपमेंट है, ये मल्टीपर्पज़ है। यहाँ से हम ये इसके एप्लीकेशन के अनुसार हमको इसको चेंज करना पड़ता है। एक मिनिमम इसका एक 500 तो 600 किलो के ट्रॉली भी हम इससे पुल कर सकते हैं। और ये देख सकते हो। और अभी हम टिलर के पास जाते हैं। ये हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है कंपनी ने, टीडर, जिसको हम टीडर बोलते हैं। 3rd कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। ये कॉम्बिनेशन है विडर प्लस टिलर का, जो हाइब्रिड मॉडल बोल सकते हैं हम इसे। ये यहाँ पे दिया हुआ है 8 HP का इंजन और ये हमारा 12 टिलर का गियर बॉक्स है, आप देख सकते हो। जो पडलिंग, जो कोकन या जहाँ पे राइस की खेती होती है, यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे चला सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी तो फिलहाल इसे हमने ब्लेड नहीं लगाया, लेकिन ये कंपनी से ब्लेड फिटेड आता है। आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे इसे टर्नर दिया हुआ है दो, यहाँ से टर्नर का यूज़ है कि हम 0 रेडियस में इसे हम टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेटर है और यहाँ पे हमारा क्लच कैलिवर है। और आप देख सकते हो 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर है। यहाँ पे हाई लो नाम का भी गियर है। यहाँ पे, यहाँ से हम डेप्थ कंट्रोल इसका कर सकते हैं, जितना हमको हमारे खेती में जुताई करना है।
ये रिकॉयल स्प्रिंग से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है, जिस भाई को हमारा ये ऑटोमेटिक स्टार्टर मतलब सेल्फ स्टार्ट करना है, यहाँ पे हम स्टार्टर लगा के हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट है पावर टिलर, ये पावर टिलर हमारा है, तो ये 15 HP और 12 HP में पावर टिलर आता है। इससे हम मल्टीपल इसमें काम कर सकते, यूज़ कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो अभी कंपनी ने रोटावेटर फिटेड दिया है यहाँ पे। ये पडलिंग के व्हील है, जो हम राइस का खेती करते हैं उसमें हम पडलिंग के लिए ये यूज़ करते। ये 15 HP का इंजन है हमारा, तो वाटर कूल्ड इंजन आता है ये। फर्स्ट सेगमेंट में केकूल टेक्नोलॉजी दी हुई है पावर टिलर में, जिससे हम 24 आवर ये पावर टिलर हम चला सकते। इसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे के टेक्नोलॉजी का स्टिकर सुधा दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा कर सकते हो, ये केकूल इंजन सिंगल सिलेंडर में वाटर कूलिंग इंजन, ये सब पे किर्लोस्कर कंपनी ने दिया हुआ है। इसके वजह से हम 24/7 इसे चला सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन इसका पूरा एक ट्रैक्टर जैसा शेप दिखता है इसका। आप यहाँ से आ सकते हैं, इसे दो ऑप्शन दिए हुए, मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हो और की स्टार्ट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हो जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा खासा है, हम कितनी भी ओबाड़ खाबाड़ जमीन रहती है उसमें से हम उसे चला सकते हैं। ये टायर निकाल के हम पडलिंग व्हील लगा के हम खेती में चला सकते हैं। इसमें पहले हमने ये ब्रेक दिया हुआ है, ये कोई पावर टिलर में ब्रेक नहीं आता है कंपनी की तरफ से, हमने ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लच के जो लीवर है ये है, यहाँ पे लाइट के प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 फॉरवर्ड 2 रिवर्स का गियर बॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रोटावेटर का गियर दिया हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, कमर आप देख सकते हो, सस्पेंशन फ्री इसका सीट है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोई कंपनी पीटीओ शाफ्ट प्रोवाइड नहीं करते, हमारे किर्लोस्कर कंपनी ने यहाँ पे पीटीओ शाफ्ट भी प्रोवाइड किया है। इसके वजह से हम जो अल्टरनेटर रहता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए वो हम लगा सकते हैं, यहाँ पे ESTP हम लगा सकते हैं और जो मल्टीपर्पज़ यूज़ हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, ये भी 15 HP का है, ये सेल्फ स्टार्ट मॉडल है और ये आपने देख सकते हो ये मैनुअल स्टार्ट मॉडल है। अभी हमारे किर्लोस्कर कंपनी ने न्यू एक हार्वेस्टर, छोटा सा हार्वेस्टर एक लॉन्च किया है, तो आप मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये हमारा किर्लोस्कर कंपनी का न्यू हार्वेस्टर हमने किसान मेले में लॉन्च किया है, ये मिनी हार्वेस्टर बोलते हैं इसको, मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर है ये। जो भी छोटा धान रहता है या सोयाबीन रहता है, मक्का ज्वारी बाजरी, ये हम ये इसके लिए हम यूज कर सकते। यहाँ से अंदर धान जाएगा, यहाँ से कन्वेयर से ऊपर जाता है, यहाँ पे जाली रहती है, उससे हम थ्रेशिंग का काम कर सकते हैं। ये किर्लोस्कर कंपनी का नया प्रोडक्ट है, इसका टिलर गियर बॉक्स और इंजन है ये किर्लोस्कर कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं अपन। चार व्हील लगाने का पर्पज़ हमारा ये है कि ट्रैक्शन अच्छे से कर पाए और ओबाड़ खाबाड़ जो ज़मीन रहती है उसमें से हम अच्छे से तर चला पाए। अब देख सकते हो यहाँ पे गुड फिनिश भी देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है यहाँ से।